ईश्वरप्पा मुर्दाबाद 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 ईश्वरप्पा मुर्दाबाद 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 ईश्वरप्पा को कैबिनेट से निकालना होगा निकालना होगा निकालना होगा वरना बीजेपी गवर्नमेंट तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा वरना तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा तो आतंकवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे मनुवाद मुर्दाबाद 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 अरे मनुवाद मुर्दाबाद 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 अरे अंबेडकर जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद 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 अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो श्रीराम सेने के तरफ से जो अलन चलो जो प्रोग्राम रखा गया था ये 2023 की एक जो इलेक्शन आने वाला है उसकी एक साजिश का एक रूप है एक कड़ी है क्योंकि हमें मालूम है जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक माहौल बनाकर बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरह से फ़ायदा हुआ है ये बाबरी मस्जिद का जो माहौल है पूरे स्टेट में इस तरह बनाना चाह रहे हैं इसलिए नॉर्थ कर्नाटका में ये लोग अलंद को चूज़ किए हैं कि यहाँ के जो नॉर्थ कर्नाटका में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो माहौल था हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड का एक माहौल था वो माहौल नॉर्थ कर्नाटका में करना चाह रहे हैं। उसी तरह से साउथ कर्नाटका में श्रीरंगपटना में जो टीपू की मस्जिद है वहाँ पर भी इसी तरह का विवाद खड़ा करके वहाँ पर भी श्रीराम सेना वाले टीपू श्रीरंगपटना चलो बोल के कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि आने वाले दिनों में ये जो नफरत की सियासत है और हमें देखने मिलेगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर ये जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो माहौल फिर से जो लाने की ये कोशिश बीजेपी आरएसएस संघ परिवार की ये जो घिनौनी जो साजिश है इसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में अगर पुलिस डिपार्टमेंट निष्पक्ष होकर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर काम नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में हम जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। कितने ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं खुद श्रीराम सेने के लीडर्स हैं मुतालिक ने दो दिन के बाद कहा कि जो भी बिंदी के ऊपर बात करेगा उसकी जबान काट लूँगा बोले। अब तक एफआईआर नहीं है अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। बीजापुर में एक दुर्गा वाहिनी की लीडर क्या बोलती है ये जो 6 बच्चियाँ हैं जो बुरखा पहन के अगर इन्हों अगर बांस नहीं आएंगे तो मैं ऐसे 60,000 बच्चियों को कत्ल करेंगे इनके पीस बनाएंगे बोल के बयान देती है। इस तरह के कम्युनल बयान हम डेली राम सेना बजरंग दल के जो हर्षा मर्डर के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम देखते हैं एक से एक जहरीले बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ। अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मामूली एक एफआईआर भी नहीं हुआ। ये शिमोगा के बाद जो कम्युनल राइट्स हो गए ये कम्युनल राइट्स के ऊपर एफआईआर तो बहुत हो गए लेकिन अरेस्ट अब तक एक भी नहीं हुआ। वही जही अगर मुसलमान अगर शक के दायरे में आता है तो वो मुसलमान उसके माँ बाप उसके रिश्तेदार उसके महल्ले वाले सब लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। उसी तरह अगर दूसरे श्रीराम सेने के अगर हिंदुत्व के अगर लीडर्स हैं तो उनको अरेस्ट करना तो दूर की बात एफआईआर तक नहीं होती। तो ये दो जो दोहरी जो जहरीली जो राजनीति चल रही है और पुलिस डिपार्टमेंट का ये जो आंखें बंद कर इनका जो सर्विस हो रही है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और ईश्वरप्पा को हम मानते हैं कि यही है मास्टरमाइंड ये पूरे कम्युनल इंसिडेंट जो हो रहे हैं शिमोगा में रायट्स इसके पीछे शिमोगा के जो कम्युनल रायट्स हुए इसके पीछे ईश्वरप्पा का हाथ है और हम सख्त सख्त उनके ऊपर कार्रवाई और उनका रिजिग्नेशन का डिमांड करते हैं। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बीजेपी और संघ परिवार आरएसएस के जितने भी लोग हैं ये लोग एक झूठा वादा लेकर अवाम के सामने आ रहे हैं। ना वेल्ला हिंदू ना वेल्ला बंधु जो नारा लगा रहे हैं लोग हम सब हिंदू और हम हिंदू के लिए बोलकर ये झूठा नारा है इनका। जो हर्षा के मर्डर को लेकर जो ये लोग रैलीज निकाल रहे हैं ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके एमएलए एमपी मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ किसकी सरकार है भाई किसकी पुलिस है किसका गृह मंत्री है किसका सीएम है किस कौन है सरकार में। हंसी आ रही आप लोगों की हरकतों की वजह से। आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ आप रैली निकाल रहे हैं किसके खिलाफ आप मेरवणिगे कर रहे हैं। क्या एसडीपीआई की सरकार है जो हमारे खिलाफ में जो ये करने के लिए आप लोग
बेवकूफ हैं ये नजर आ रहा है, हम क्लियरली नजर आ रहा है। खुद की सरकार रख कर एहतजाज करने वाला बेवकूफ से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और सेकंड चीज जो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे, हिंदू के लिए लड़ रहे बोलकर, ये इनका झूठा वादा है, झूठा वादा है। कर्नाटका में टोटल 36 मर्डर संघ परिवार ने किया है, आरएसएस और उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किसका किया है? हिंदूज का किया है। वैसे हिंदूज जो इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते उनका मर्डर करवाने वाले ये आरएसएस वाले, और उसके बाद जो इनके खुद के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका भी मर्डर करने वाले ये संघ परिवार वाले। मैं नाम गिनकर बता सकता हूँ और इनके एफआईआर कॉपी भी आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। विनायक बलिगा आरएसएस का लीडर, इसका मर्डर करने वाले कौन? श्रीराम सेना। बीजेपी लीडर प्रवीण पुजारी, इसका मर्डर तो पूरे लोगों को मालूम है, कौन करे? आरएसएस। कृष्णैया पठारी कोंडापुर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हिंदू जागरण वेदिके के मेंबर प्रताप मुरली, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। डीवाईएफएफ के दो मेंबर, एक भास्कर कुलाई और श्रीनिवास, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश भंडारी, इनका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने। और प्रकाश कोलई, मणिकंठ सूरतकल, हेमंत सूरतकल, हिंदू जागरण वेदिके के मेंबर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। केशव पुजारी बीजेपी लीडर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश और एक विनायक बलिगर नमो ब्रिगेड के लीडर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। तो ये तमाम चीज़ें, और एक चीज़ जो मंदिर के पुजारी को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, मंदिर के पुजारियों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, सब लोगों को इन्होंने मर्डर किया है। उसके बाद दो जो कार्तिक है, कार्तिक ने कहा कि एबीवीपी का जो शॉल दिया जा रहा है ये शॉल मैं नहीं पहनूंगा, एक हिंदू लड़का ये शॉल मैं नहीं पहनूंगा, हिजाब के खिलाफ बात नहीं करूंगा। जब वो उसने कहा तो उसको चाकू चुबाने वाले कौन? तुम्हारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये तमाम लोगों ने ही मर्डर किया है, इन्होंने ही मर्डर किया है। उसके बाद दो दिन पहले दिनेश काइनाड़ी का मर्डर किसने किया? संघ परिवार के लोग। अब कहाँ हैं वो लोग? जेल में मौजूद हैं। ये सब चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है, 13 से 14 मर्डर्स करने वाले संघ परिवार के लोग, खुद के अंदर इतना रखकर दूसरों को आकर एसडीपीआई को इल्ज़ाम लगाना, हमारे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लेसन की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर तुम स्टूडेंट हैं वहां के प्रिंसिपल हम रह चुके हैं, हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज जो आरएसएस और बीजेपी के लोग ये चीजें कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, हर्षा के अंकल ने क्या कहा? हर्षा के अंकल ने पब्लिक टीवी में कहा कि मेरे इस भांजे को मारने वाले कौन? बोले तो हिंदू संगठनों ने 10 लाख की सुपारी दी थी और उसी लिए इसको मारा गया है। किसने कहा ये बात? हर्षा के अंकल ने। ये सब हम नहीं झुठला सकते ना, ये सब नहीं झुठला सकते। आप सिर्फ और सिर्फ लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ईश्वर अप्पा हो या सीएम बम्बई हो या बीजेपी के तमाम लोगों ने ये लाशों की राजनीति कर रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो भी चल रहा है, मैं हिंदू भाइयों से यही कहूँगा, हिंदू बहनों से यही कहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार की पॉलिसी को आप समझना है। ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी का मर्डर करे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही सोच है जो महात्मा गांधी को मर्डर किए हैं और नाथूराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, ये सावरकर की पूजा करते हैं और सावरकर की आचरणा करते हैं, ये वही लोग हैं। तो इनसे हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है देशभक्ति, इनसे हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है सेकुलरिज्म का पार्ट। तो हम इनको यही बताना चाहते हैं कि तुम जितने पानी में हो उससे कहीं ज्यादा हम तुम्हारे को डुबोने का यकीन रखते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि ईश्वर अप्पा को इमीडिएटली कैबिनेट से हटाया जाए, एमएलए पद से भी हटाया जाए और उनको कभी इलेक्शन नहीं लड़ने के जैसा उनको किया जाए, यही हमारा डिमांड है। और उनको अरेस्ट कर उनके ऊपर सेडिशन केस बुक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तिरंगा हटाकर भगवा लगाना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कहा है, इसको भी हम एसडीपीआई की तरफ से कंडेम करते हैं और इसके ऊपर सेडिशन केस बुक करने का डिमांड करते हैं।